हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसने हमें रिसेंटली ही ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है। दोस्तों, जब भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो अच्छी तरह से रेजिस्टेंस वर्कआउट कर रही थी और वो ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, क्लोजिंग बेसिस पे दिया और वॉल्यूम भी हमें अच्छा खासा दिखा है। दोस्तों, जब भी हम स्विंग के हिसाब से देखते हैं तो जब भी कोई भी स्टॉक अगर मान लीजिए अप ट्रेंड में ट्रेड करता है तो हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाता है, उसे ही हम स्विंग हाई और स्विंग लो भी कह सकते हैं। और जब भी वो स्विंग लो पे आता है तो हमारे लिए एक बाइंग का मौका बनता है। तो स्टॉक रिसेंटली ही स्विंग लो पे आया और फिर स्विंग लो पे उसने रिवर्सल के इंडिकेशन भी दिए है। फाइनली हम स्टॉक पे डार्वस बॉक्स भी इंसर्ट करते हैं और डार्वस बॉक्स के हिसाब से भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक किस तरह से ट्रेड कर रहा है और फिर उसके हिसाब से हम फिर आगे जाकर देखेंगे कि अगर हम इसमें बाइंग के मौके नजर आ रहे हैं तो कौन सी लेवल पे हम इसमें एंट्री कर सकते हैं, हमारे स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं और हमारे टारगेट भी क्या हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की वीडियोस टाइमली बेसिस पे मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक कीजिएगा, एक शॉर्ट वीडियो ओपन हो जाएगा, वहां से आपको रिस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए और जो हम स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं उसके लिए जो भी ट्रेडिंग टर्मिनल का इस्तेमाल किया है वो है एडलवेस का TX3 का डेस्कटॉप ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। अगर आपको एडलवेस में डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां से आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, आज के दिन के लिए हमने जो भी स्टॉक का सिलेक्शन किया है उसका नाम है सफारी। तो सफारी का डेली कैंडलस्टिक चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे स्टॉक का नाम देखने में दिक्कत आ रही होगी तो ये वीडियो के टाइटल में मैं स्टॉक का नाम दे रहा हूँ, वहां से आप स्टॉक का नाम देख सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं स्विंग के हिसाब से कि स्विंग के हिसाब से हमें इसमें किस तरह से बाइंग के मौके नजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट करता हूँ। अभी मैं कैजुअली ये रीजन से इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्कआउट करता हूँ, ये रीजन से भी आप देख सकते हैं। ये रीजन से अगर आप देखेंगे तो स्विंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये स्विंग हाई बन गया, फिर स्विंग लो बन गया, फिर स्विंग हाई स्विंग लो, फिर यहाँ पे थोड़ा विप्सो आया था आप देख सकते हैं, फिर ऊपर जाने के बाद फिर से स्विंग हाई बन गया, फिर स्विंग लो बनने के बाद यहाँ पे फिर से स्टॉक थोड़ा विप्सो दिया, फिर स्विंग हाई स्विंग लो, फिर आप देख सकते हैं स्विंग हाई फिर स्विंग लो, फिर यहाँ पे स्विंग हाई बनने के बाद स्विंग लो के लिए ट्रेंड लाइन के नजदीक आया, फिर स्विंग हाई बन गया, फिर स्विंग लो, फिर से ट्रेंड लाइन पे बना, फिर स्विंग हाई और फिर स्विंग लो, फिर से ट्रेंड लाइन पे बना और फिर ये लास्ट वाली कैंडल ने हमें स्विंग लो बनने के बाद एक रिवर्सल की इंडिकेशन भी दी है। तो इस तरह से स्विंग के हिसाब से हमें प्राइस एक्शन नजर आई है। अभी इसे मैं निकाल देता हूँ, यही ट्रेंड लाइन को आप थोड़ा शिफ्ट भी कर सकते हो और एग्जैक्टली इस तरह से भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं इसे थोड़ा चेंज करूंगा तो आप इस तरह से भी ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इससे भी आपको ये कुछ शॉर्ट टर्म का भी दायरा अगर हम कंसिडर करेंगे तो भी आपको दिखेगा कि इस तरह से इसमें स्विंग हाई स्विंग लो बन रहे थे, राइट। तो यहाँ पे ज्यादा विप्सो नहीं दिखेंगे और इस तरह से आपको ये स्विंग हाई स्विंग लो, अभी मैं कैजुअली आपको बता देता हूँ, तो ये थोड़ा ऊपर था लेकिन फिर ये स्विंग लो फिर स्विंग हाई स्विंग लो, राइट। तो इस तरह से आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये स्विंग के हिसाब से हो गया। अभी मैं ट्रेंड लाइन के हिसाब से बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से हमें ब्रेकआउट की सिचुएशन किस तरह से दिखी है। तो ये कैंडल का है और कुछ यहाँ पे ये कुछ कैंडल के हाई को कंसिडर करते हुए हम इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्कआउट करते हैं तो ये दायरा बन जाता है। ये कैंडल का हाई हो गया, फिर यहाँ पे ये कैंडल का हाई लगभग वहीं पे था, फिर ये कैंडल का हाई आप देख सकते हो, मल्टीपल कैंडल्स के हाई नजदीक जा रहे थे ट्रेंड लाइन के और फिर उसकी क्लोजिंग नीचे हो रही थी, लेकिन फाइनली अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट वाली ट्रेडिंग सेशन के कैंडल ने ये ट्रेंड लाइन को यानी कि जो रेजिस्टेंस था उसका उसको ब्रेकआउट दिया क्लोजिंग बेसिस पे दिया और वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं, वॉल्यूम भी हमें अच्छा खासा दिखा है, राइट। तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हमें ब्रेकआउट मिला, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के हिसाब से भी हमें बाइंग के मौके दिखा रहा है। अभी फाइनली मैं इस पे डार्वस बॉक्स इंसर्ट करता हूँ, उसके हिसाब से देख लेते। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, डार्वस बॉक्स को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो डार्वस बॉक्स को इंसर्ट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे कि हम कहते हैं कि इसकी लोअर रीजन एज ए सपोर्ट वर्कआउट होती है और अपर रीजन एज अ रेजिस्टेंस वर्कआउट होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते कि ये कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर उसमें अपर साइड की मूवमेंट आई और फिर से यहाँ पे उसने एक लो बना दिया। अभी ये दो कैंडल का लो अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये स्विंग लो, ये नेक्स्ट स्विंग लो से हम कंपेयर करते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो लो था उससे कंपेरेटिवली यहाँ पे हायर लो बन गया था और यहाँ पे फिर रिवर्सल की इंडिकेशन दिए है और ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट दिया है। तो आगे जाकर अगर ये कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे ये भी संभावना बन जाती है कि ये आगे जाकर डार्वस बॉक्स को भी ब्रेकआउट दे सकता है। तो उसके हिसाब से अगर डार्वस बॉक्स को भी ब्रेकआउट देगा तो फिर उसके हिसाब से भी हमें बाइंग के मौके मिल सकते हैं।
तो ये डार्वस बॉक्स के हिसाब से हो गया। अगर दोस्तों अगर आपको डार्वस बॉक्स की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं ऊपर आई बटन में वो पर्टिकुलर वीडियो की लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से आप डार्वस बॉक्स की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी मैं इसको डार्वस बॉक्स को निकाल लेता हूँ और फाइनली हम देख लेते हैं कि ये ब्रेकआउट के हिसाब से हम कंसिडर कर लेते हैं और स्विंग के हिसाब से भी हम कंसिडरेशन करके हम देख लेते हैं अगर हमें इसमें एंट्री और एग्जिट करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ब्रेकआउट के हिसाब से अगर हमें ट्रेडिंग करनी हो तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल है, इसके हाई के ऊपर जाने के बाद इसमें और भी प्राइस एक्शन बनेगी। लेकिन स्विंग के हिसाब से अगर हम कहेंगे तो यहाँ पे स्विंग लो बना दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और स्विंग लो बनाने के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन भी हमें ऑलरेडी मिला है। तो स्विंग के हिसाब से अगर हमें इसमें पोजिशन बनानी हो तो इसकी अभी लास्ट क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखेंगे तो 618 के आसपास है। तो इसको कंसिडर करते हुए अभी हम डिस्कस कर लेते, तो 618 के आसपास हम इसमें पोजिशन बना सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। अगर आपको स्टॉप लॉस का दायरा थोड़ा नीचे रखना है तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा स्टॉप लॉस दूर हो जाता है तो हम स्टॉप लॉस यहाँ पे ही रखते हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये रीजन हमें दिख रही है 565 के आसपास, ये 567 है तो मैं 565 को कंसिडर कर लेता। तो 565 के नीचे अगर इसका क्लोज आउट होता है तो वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये 618 के नीचे भी जाएगा तो आप इसमें एवरेज आउट कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट यहाँ पे जो भी रिसेंट रेजिस्टेंस है वो रहेगा जो कि लगभग 730 के आसपास दिख रहा है, राइट। तो इस तरह से हमें ये पर्टिकुलर स्टॉक में प्राइस एक्शन नजर आ रही है। मान लीजिए कंसिडर करते हैं हम कि ये जो इसका रिसेंट रेजिस्टेंस है इसको भी ये ब्रेकआउट देता है आगे जाकर, और ब्रेकआउट हमें क्लोजिंग बेसिस पे मिलता है और फिर भी हमें प्राइस एक्शन स्टॉक में नजर आती है और स्टॉक अच्छी तरह से ट्रेड करने लगता है। तो फिर अगर ये रीजन को, ये जो रिसेंट रेजिस्टेंस है इसको अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली हम ये रीजन पे आने के बाद पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और फिर रिमेनिंग क्वालिटीज को फिर हम ट्रेलिंग के साथ भी लेके जा सकते हैं, राइट। तो इस तरह से मुझे ये रिस्पेक्टिव स्टॉक में प्राइस एक्शन नजर आ रही है। तो दोस्तों मुझे मेरी जो भी ये स्टॉक के ऊपर की स्टडी थी मैंने आपके साथ शेयर की है। अभी ये मेरा वीडियो आप एज ए हेल्प इस्तेमाल कीजिएगा और आपकी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसके साथ मर्ज करके आप आपका फर्दर डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से फायदा होता है तो मेक श्योर आप हमारी वीडियोज को लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियोज टाइमली बेसिस पे मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।